दीक्षित ज्वेलर्स, जीवनदीप निवास, बाईपास रोड, BCS, शिमला। हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी को उम्मीदवार बनाए जाने पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने जो भी फैसला लिया है, हम सभी उस फैसले के साथ हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश से कांग्रेस के तेज तर्रार नेता अभिषेक मनु सिंघवी को उम्मीदवार बनाया गया है, हम सभी उनका स्वागत करते हैं। नहीं, पार्टी ने वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के लीडिंग लॉयर अभिषेक मनु सिंघवी जी को राज्यसभा उम्मीदवार के रूप में कांग्रेस प्रत्याशी घोषित किया है। निश्चित तौर पर वो सुबह आगे थे, आज अभी अध्यक्ष महोदय के कमरे में बैठकर हमने चर्चा की, मुझसे मिले, सभी मंत्रियों से मिले, विधायकों से मिले और कल वो नामांकन तकरीबन 1 बजे के करीब भरेंगे। सर, JP नड्डा जी गुजरात से राज्यसभा जाएंगे, वो भी हिमाचल से, तो उन्हें भी शुभकामनाएं देना चाहेंगे सर आप? जगत प्रकाश नड्डा जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्यों नहीं, जो चुनाव लड़ता है सबको शुभकामनाएं होती है, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। तो निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि कल वो नामांकन 1 बजे के करीब भरेंगे और हमारा मानना है कि उसके बाद अगली प्रक्रिया की जाएगी। बॉर्डर पे डटे हुए सर, दिल्ली बॉर्डर पे, कह रहे कि जाने नहीं दे रही सरकार, तानाशाही रवैया अपनाए हुए है, आवाज़ नहीं सुन रही सरकार और दबाने की कोशिश हो रही है आंदोलन को दोबारा से। देखिए, ये तो क्या स्थिति वहाँ है उस संदर्भ में मैं तो कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसानों पर किसी भी प्रकार का अत्याचार नहीं होना चाहिए। अगर उनकी मांगे हैं तो उसको बड़े आराम से सुनकर उनको समस्या का समाधान करना चाहिए। सर, बिलासपुर में भी आंदोलन चल रहा है, वहाँ पर पेयजल योजना बन रही है, उसको लेकर ग्रामीण जो है वहाँ के लोग विरोध जता रहे हैं, कल भी काफ़ी हंगामा हुआ। नहीं, उस बारे में अभी मेरे को सुनने में आया, अभी मैं रिपोर्ट मंगाऊंगा, उसके बाद ही कुछ आधिकारिक बयान दे सकता हूँ। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।